दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट टाइम पे कल मार्केट में टैगली फॉल देखा था और आज तो एकदम से ही बहुत बुरी तरीके से मार्केट में फॉल हुई, आप लोग देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। इसका रीजन सबसे बड़ा क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं और वो आगे आपको स्ट्रेटेजी क्या अपनानी वो भी आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले ये बात मान लीजिए कि मार्केट में फॉल हुआ क्यों है। ये तो मार्केट में फॉल इसलिए हुआ है कि एक तो जो कोविशील्ड का इशू चल रहा था, तो चल ही रहा था, वो भी एक टाइप का र्यूमर है, वो भी मैं आपको कई दिनों से दो सेशन में मैं आपको बता ही रहा हूं। दूसरा क्या हुआ है कि लोगों ने एक और पैनिक फैला दिया है जिसको हम अफवाह ही कह सकते हैं। अफवाह ये हो गया कि लोगों ने ये बता दिया कि बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है और बीजेपी की गवर्नमेंट आपको टैक्स स्लैब के मुताबिक आपको टैक्स लगा रही है। अब आप देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स का तो इतना ज्यादा पैसा है नहीं, लेकिन क्या है कि जो थोड़ा सा जिनका अगर 10 लाख से अबव एनुअल की इनकम हो रही है, 10 से 20 के बीच में हो रही है, वो भी 30 के टैक्स के स्लैब में आ जा रहे हैं, ठीक है ना, 20 से अबव में आ जा रहे हैं, और उसके बाद में ये तकरीबन मान करके चलिए कि 30 हो जाएगा, उसके बाद में और भी उस पर टैक्सेस लगा करके अगर उसका स्लैब हो जाएगा तो ये लगभग क्रिप्टो के बराबर का टैक्स हो जाएगा। अब क्रिप्टो पर आपको पता ही है कि 30% का फ्लैट टैक्स सरकार ने लगा दिया, थोड़ा सा टैक्स लगा करके, तो ये एक प्रकार का र्यूमर फैला दिया गया है, र्यूमर ही इसको मैं कहूंगा। और इसलिए कहूंगा कि जब तक कोई भी चीज ना आ जाए, सामने ना आ जाए, रिटर्न में ना आ जाए, अनाउंसमेंट ना आ जाए, तब तक उस पर विश्वास करना उचित नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं कि जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई को टच किया है तो इस प्रकार से र्यूमर फैला करके या कुछ भी करके मार्केट को गिराया जाता है। दूसरा रीजन जो आज मार्केट के गिरने का रहा है, 2390 करोड़, ठीक है ना, इतना बेचा है आपकी FIIs ने, वही DIIs ने जो कि उससे ज्यादा रोज बाई करती थी, उन्होंने केवल 791 करोड़ के आसपास मेरे ख्याल से परचेज करा है, ख्याल से क्या लगभग इतना ही है, ठीक है ना, 150 करोड़ का अंतर होगा क्योंकि एग्जैक्ट डाटा तो अभी सामने नहीं है, एक बार तो हम देखते देखते जैसे आता है कितना सेल हुआ कितना परचेज हुआ, क्योंकि ये आपको भी जानना जरूरी है कि मार्केट का मूव किधर है। तो अब आप देख लीजिए DIIs का कितना सपोर्ट होता है मार्केट को, जब भी अगर FIIs नेट सेलर बनती हैं तो आपकी DIIs वहां पर उससे ज्यादा बाई करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज DIIs उदासीन रही थी, उनके उदासीन होने की वनस्पति ये आपको गिरावट नजर आई है। तो ये दो मेन रीजन हो गए, बाकी क्रूड ऑयल को छोड़ दो, अमेरिका को छोड़ दो, उसको छोड़ दो, क्योंकि सबसे बड़ा क्या होता है कि FIIs जब सेलिंग शुरू करती है और DIIs बाई नहीं करती है तो इंडियन मार्केट गिरती, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब इसको हम ये मान लेते हैं कि ये जबरदस्त जो है ना प्रॉफिट बुकिंग हुई है, यही बोल सकते हैं, क्योंकि आज अच्छे अच्छे फाइनेंशियल पंडितों को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मार्केट गिरी क्यों है, ठीक है, क्योंकि सिंडियोज ग्लोबल सिंडियोज तकरीबन ठीक थे, यूएस का भी सिंडियोज तकरीबन ठीक था, वहां पर जाप का डाटा अच्छा नहीं आया था, जाप का डाटा अगर अच्छा आया होता तो उनकी मार्केट क्या होती, नीचे जाती, लेकिन उनकी मार्केट जाप का डाटा अच्छा नहीं आने से अब गई है। तो ये सारी कई सारी चीजें हैं जो कि अभी आपको इतना तो डीप नहीं जाना है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, न्यू इन्वेस्टर है तो ये करना है, जो मतलब जो पुराने इन्वेस्टर है वो हमारी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अब हमने करना क्या है, देखिए साहब हमने ये बात आपको बताई थी कि जनवरी से लेकर के आपका मई स्टार्ट हो गया, आपकी मार्केट वही 22,600 लेकर के 22,200 के आसपास क्या कर रही है, बार बार कंसोलिडेट कर रही है, अप डाउन झोलझाल। और यही बात मैंने आपको बताया था कि जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक ये एक बार जो है ज्वार के जैसे ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद में फ्लैट होगी, थोड़ा सा नीचे आएगी। तो इसी प्रकार के सिंडोज बन रहे हैं, जब तक कोई ऐसे सिंडोज नहीं आते हैं कि मार्केट पर इसका बुरा इफेक्ट पड़े तब तक यही रहेगा। तो आप पीक पर इन्वेस्ट करने के बजाय, क्योंकि क्या हो रहा है कि पांचवा महीना स्टार्ट हो गया है और आपकी मार्केट ने कुछ भी गेन नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ ATH लोग करते रहते हैं, ठीक है ना, तो ATH करते रहते हैं, केवल अभी मिड कैप में ऑल टाइम हाई बना है, स्मॉल कैप का वही है, आपके चांसेस अभी जो है लार्ज कैप में और इसमें तो आपके हैं ही, निफ्टी वगैरह में सेंसेक्स में तो हैं ही, तो जिसका भी मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप है वहां पर डालना है, स्मॉल कैप में भी डालना है, स्मॉल कैप भी अभी कंसोलिडेट ही कर रहा है और जब गिरावट आएगी तब आएगी, ठीक है ना, सरकार कौन सी बनेगी कौन सी नहीं बनेगी, इस प्रकार के 85
अफवाहें आपके सामने आती रहेंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे आपने किससे कहानियों में सुना होगा कि शमशान में लोग सिद्धि के लिए जाते थे, किससे कहानियों में सुना होगा, उसको अज्यूम करने में कोई बुराई नहीं है। विकास क्या है कि अगर आप फाइनेंशियल टर्म्स को कर रहे हैं तो चाहे आपका बायो साइड हो चाहे आपका आर्ट साइड हो, थोड़ा बहुत आपको टेक्निकल टर्म्स में मानने का सपोज करने की आदत आपकी होनी चाहिए। जब तक आप मानेंगे नहीं, सपोज नहीं करेंगे, कैलकुलेशन को सीखेंगे नहीं, तब तक आप उस चीज को अजमा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे किससे कहानियों में बताया जाता है शमशान में लोग सिद्धि के लिए जाते थे, तो उनके ऊपर क्या ये आंधी आती थी, ये बारिश आती थी, ये थप्पड़े आते थे, ये आवाजें आती थी, ये आती थी। तो इस प्रकार से आपको जो आपने एक जर्नी शुरू करी हुई है ना अमेरिका की तरफ बढ़ने की, आपने जो जर्नी शुरू करी, सीधी सी बात है आप मान करके चलिए कि गलत तरीके से आप कभी भी पैसा कमा नहीं सकते हो, पैसा आपके पास रुकेगा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, सही तरीके से आपकी दाल रोटी चल पाएगी, फिर वहां पर आप अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टिंग नहीं सीख रहे हो, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आप अपने पैसे इनकम को जनरेट नहीं कर रहे हो, तो वहां पर शायद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। विकास क्या है कि आज अभी आपके हाथ पैर चुस्त दुरुस्त है तो आपका क्या हो रहा है, बताइए आप क्या हो रहा है, आप एक्टिवली इनकम को जनरेट कर रहे हो। लेकिन आप किसके लिए तैयारी करो, आप अपने गोल के लिए फुलफिल करो, जो भी आपका गोल है, चाहे बच्चों का एजुकेशन है, चाहे बच्चों की शादी है, चाहे घर को बनवाने का, चाहे रिटायरमेंट का है, तो आप वहां पर क्या कर रहे हो, आप जीतोड़ मेहनत कर रहे हो और वहां पर आगे जाना चाह रहे हो। आगे जाना चाह रहे हो तो आप ये समझो कि आपका बैंक में रख करके, आपका जो है आपका ऐसे जोड़ करके, सेविंग में रख करके, एफडी में रख करके, आप महंगाई को ही मुश्किल से बीट कर पाएंगे तो कितना आप अकुमुलेट करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपको उस इंस्ट्रूमेंट में जाना पड़ेगा। अब उस इंस्ट्रूमेंट में जाने के लिए आपको इस प्रकार के कई सारी अड़चने आएंगी और उसी से ही निजात दिलाने के लिए जुगाड़ी टॉक्स का मंच हमने जो स्टार्ट करा हुआ है, ये हमने इसीलिए करा हुआ है, ठीक है ना। और इसको मैं ज्यादा तामझाम इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है कि जनहित के काम में मैं इसको लेना चाहता हूं। विकास जो हमने सीखा है वो लोगों को सिखाना ही हमारा उद्देश्य है, ठीक है ना। तो वहां पर मैं बात कर रहा था शमशान में आप जाओगे सिद्धि मंत्र के लिए, वो एग्जांपल देना जरूरी है। तो इस प्रकार के अपेड़े थपेड़े आपको आते रहेंगे, आपको उनसे डरना नहीं है। और ऐसे ऐसे सवेरा हो जाएगा, सवेरा हो जाएगा तो सारा डर निकल जाएगा, कोई भी वहां पर ना तो हवा है, ना ये है, ना वो है। आपको पता है कि जब मौसम में इस प्रकार के सीनरियो क्रिएट होते हैं तो दूसरे दिन जब मौसम खुलता है, तूफान वाली रात का जब मौसम खुलता है, तो देखिए कैसा मौसम होता है, खुशनुमा मौसम होता है। भीगी भीगी धूली धूली सड़कें, पेड़ पौधों की नीचे बिछी पत्तियां, तो ये सारी चीजें जो है ना ये आपका इंतजार करती हैं। कभी भी आप देखना उस छटा को, निहारना आप जब दूसरे दिन सूर्योदय होता है, खास करके आप जब किसी हिल स्टेशन में हैं, आप वहां पर जब मौसम आपका खुलता है ना, तब आप देखिएगा, तो वही आपको आनंद आएगा जब आप इस स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे। जब भी आपको गिरावट मिलती है ना, तो आप अपने उस एक्टिव इनकम के पार्ट को, जिसकी आपको अभी सोचते हो कि मेरे को थोड़ा सा लॉन्ग टर्नओवर में जरूरत है, उसको पार्ट पार्ट करके, पार्सली पार्सली करके उसको आप अकुमुलेट करते रहे, ठीक है ना। अकुमुलेशन एक सबके, अकुमुलेशन का मतलब आप क्या समझते हो, संग्रह, ठीक है ना। तो आपको अपना एक जो यूनिट्स है इसकी, इसका आपको एक संग्रहालय बनाना है, ठीक है ना, इसकी आपको एक लाइब्रेरी बनानी है। और उससे आपको जैसी फिर जरूरत पड़ेगी ना, एक वर्ड की जरूरत, सबसे बड़ी खासियत क्या है यार, इक्विटी की या मार्केट की, इसकी जितने की आपको जरूरत है, सपोज करो किसी वर्ड की जरूरत है, डिक्शनरी आपने उठाई, उससे आपने अपने मीनिंगफुल वर्ड को निकाल लिया, मींस क्या, उतना अमाउंट आपने आराम से निकाल दिया, तीसरे दिन आपके अकाउंट में आ गया। सपोज करो आपको एक लाइन की, एक स्टेंजा की जरूरत है, आपने उतना निकाला और उसके बाद में आपका काम चल गया, ठीक है ना। आपको एक, अगर कभी एक चैप्टर की जरूरत पड़ रही है, तो आप उतने चैप्टर को ही निकाल सकते हो। ये आपको समझ में आएगी जब आप अकुमुलेट कर लोगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद में जब उसका ग्रोथ शुरू होगा, जब आप ETH पर बार बार, क्योंकि आप देखिए अभी का सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है, अभी आपका फल होता है, फिर ETH आता, फल होता है, फिर ETH आता, फल होता है, फिर ETH आता, अब कब तक चलेगा देखा जाएगा। जब हमें बाइंग, मैं तो बता तो रहा हूं, जब भी मेरे को इस टाइप का मौका मिलता है तो मुझे तो आनंद आता है और आपको भी आनंद आना चाहिए। विकास, अगर आपने उन सारी सिखलाइयों को, उन सारी चीजों को आपने, अगर जो जो जुआई टॉक्स में बताया गया आपने उसको किया हो गया, तो आज आपको एक्सपर्टाइज धीरे धीरे आ ही जाएगी, ठीक है ना। और आपके अंदर एक्सपर्टाइज इसलिए आएगी आपके अंदर क्योंकि ये घरेलू बातचीत है, ये घर घर की बातचीत है, ठीक है ना। हर घर की ये बातचीत है, हर इंडिविजुअल की ये बातचीत है, हर आदमी की ये बातचीत है, ठीक है ना, हर आम आदमी की बातचीत है,
ठीक है ना, हर तबके की ये बात है। एक जो आपका न्यू जॉब होल्डर है उससे लेकर के आपके रिटायर्ड पर्सन तक की यहां पर बातें हैं जो कि एक प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। तो अभी इस प्रकार से आपका इस समय क्या है, एक्युमुलेशन का फेज है, आपको ऐसे ऐसे करके आपको हमेशा कॉल दी जाती है। अगर मान लिया मंडे को इस प्रकार का सीन होता है तो ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों ने जैसे ही देखा होगा तो थोड़ा बहुत, और ऊपर से आप कभी भी मेरी बात को मानिए आप कि कभी भी आप एक्युमुलेशन ना 10 बजे के आसपास मत करें, आप कभी भी एक्युमुलेशन 2 बजे के बाद में, 2 से 2:15 के बीच में, उतना आपको मौका मिल ही जाता है कि 2-3 EMC में आप जिसका देखिए जो इंडाइसेस आपका ज्यादा गिर रहा है उसी इंडाइसेस में कर दीजिए, उतना काम भर का एक्युमुलेशन आपका हो जाएगा उसमें। मेन बात क्या है कि आपका ये 4 महीने की जो आपको प्रॉफिट मिलने चाहिए थे, सपोज करो मान लो मैं 12 से 15% मान लेता हूं साल का हमने मिलना है, तो 4 महीने में 1 क्वार्टर में आपका 1/3 तो आपका गिर ही गया है, ठीक है ना, क्योंकि आपको गेन कुछ मिला नहीं है इसमें 4 महीने में, तो 3.5-4% तो आप तो ऐसे ही 5% मान लो, 4×3=12, तो 5% आपको 15 में मान लेता हूं, तो 5% तो आप ऐसे ही नीचे डाउन में हो, जैसे आपको 1%-1.5% की गिरावट बनती है, 6%-7% पे आप आराम से ले लो यार, क्या दिक्कत है, छोटा सा पार्ट आप एक्युमुलेट कर दो, छोटा सा पार्ट आप एक्युमुलेट कर दो। एक्युमुलेट में वर्ड इसलिए बोल रहा हूं जो कि लोग बोलते हैं ना लमसम कर दो, लमसम एक बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, एक्युमुलेट क्या होता है, संग्रहित कर दो, संग्रहित कर दो। तो इसको मैं आज के बाद से लमसम के बजाय इसको मैं अकुमुलेशन करूं तो आपको कैसा लगेगा, प्लीज इसका कमेंट जरूर करिएगा, अकुमुलेशन अच्छा लगता है या लमसम अच्छा लगता है। मेरे को तो यार संग्रह करना अच्छा लगता है, बिकॉज क्योंकि हम एक किसी असेट को क्या कर रहे हैं ना, कलेक्ट कर रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। जैसा आपको ये सारी जानकारियां कैसी लगती हैं और कैसी लगी हैं कमेंट जरूर करना, क्योंकि उससे क्या होता है कि थोड़ा सा हमें भी जानने का मौका मिलता है, और लाइक करने से थोड़ा सा क्या है बूस्ट मिलता है, एंड जो सब्सक्राइब करने से क्या होता है अपना परिवार बढ़ता है जो भी न्यू व्यूअर है। उम्मीद करता हूं कि रिवार्ड जरूर करेंगे, रिवार्ड के लिए एडवांस में शुक्रिया, थैंक यू।